नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। शहर के सबसे बड़े स्कूल की निर्देशिका से ट्रिक फोटोग्राफी करके मांगी गई 25 लाख की अवैध वसूली करने तथा अश्लील फोटो भेजने की धमकी देने वाले चारों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दो युवक तो उसी स्कूल के पूर्व में छात्र रहे हैं। शौक पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूल की निर्देशिका को कई बार फोन तथा SMS किए और उनके बाहर पड़ रहे बच्चों का अपहरण करने तक की धमकी दी। पुलिस की हिरासत में ये है मोनू, धर्मेंद्र और प्रशांत मित्तल, चार युवक हैं जिनका भविष्य चौपट हो चुका है। दरअसल फिरोजाबाद के सबसे बड़े स्कूल किड्स कॉर्नर की निदेशिका रूपाली भटनागर को यह लोग पिछले लंबे समय से फोन तथा कंप्यूटर से बनाकर अश्लील फोटो भेज रहे थे। बराबर मांग की जा रही कि पैसे दे दें वरना इन फोटो को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और मुंबई में पढ़ रहे इनके बच्चों का अपहरण कर लिया जाएगा, जिसको लेकर निदेशिका के पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ था। जब इसकी शिरकत पुलिस से की गई तो पुलिस ने सभी नंबरों को सर्वे लाइन पर लगा दिया। जांच में पता लगा कि दो छात्र तो उसी स्कूल में पढ़ने वाले रहे हैं जो अपने गलत शौक को पूरा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। 3 महीने तो हम लोग कितने टेंशन में रहे थे 2014 में, तब से लगातार कि 2014 का तो ट्रेलर था, 2018 में तो मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कैसे भी कर। के अंदर एक इतना पुनीत कार्य है कि उसके अंदर तो दिमाग भाई साहब स्वस्थ होना चाहिए। हर समाज सेवा में लगे इस शहर के लिए जो करना हो वो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी माँ दोनों ने। ये तो तुम भी अपनी बात कैसे कह रहे हो, बच्चों में संस्कार नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन उसने मेरे बच्चों को उठाने की धमकी दी दोनों को, किडनैप कर लूंगा और तेरे हस्बैंड को तो गोली मारूंगा ही मारूंगा। अब बताइए एक लेडी पे कितना बुरा हाल होगा। आप बताइए, मैं 4 साल से भुगत रहा हूँ इस चीज को, 4 साल से लगातार ब्लैकमेलिंग। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस मैटर में कार्य किया, मैं इतना सराहूंगा इस चीज को। मैंने इंटरपोल में भी नहीं देखा इतनी बढ़िया टेक्निक पुलिस प्रशासन ने। जिस तरीके से उन्होंने, भैया मैं 2 दिन के अंदर उन्होंने इस चीज को सॉल्व किया। अभी अभी एक मामला जो संज्ञान में आया है कि SMS के जरिए एक हमारे शिक्षा जगत के जाने माने हस्ती हैं मयंक भटनागर, जो कि किड्स कॉर्नर स्कूल चलाते हैं और इनका समाज में भी बहुत अच्छा स्तर है। उनकी पत्नी को ऐसा बताया है कि 3-4 लड़कों द्वारा SMS करके बराबर धमकियां दी जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था और उन्होंने जब पुलिस में शिकायत की है तो बताते हैं कि वो केस खुल गया है और 4 लड़के, अभी नाम संज्ञान में नहीं आए हैं, 4 लड़के पकड़े गए हैं। इस तरह से जो मामला देखा है कि बताते हैं कि वो उनके स्कूल के ही स्टूडेंट हैं, तो इसको देखते हुए लगता है कि सामाजिक स्तर देखो इतना गिर गया है। लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है बहुत अच्छी निकली कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर मामले को खोलने का दावा किया है और अपराधी भी उनकी पकड़ में आ चुके हैं, पुलिस का ऐसा मानना है। और ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और समाज में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। गुरु की जो क्षमता होती है या गुरु की जो मान्यता होती है उसको तार तार करने का काम अगर लड़कों ने किया है तो बहुत ज़्यादा गलत है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हाँ, इसमें 384 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, सीम बेचने वाले भी हैं इसमें 2 लोग और 2 लोग इसमें सम्मिलित हैं जो बात करके, फ़ोन करके और मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ मांग पैसे वैसे की मांग भी करते थे इस तरीके से। ब्लैकमेल का मतलब ही क्या हुआ, पहले ही बात आ गई कि ब्लैकमेल कर रहे थे, उसका मतलब ही क्या? कितने रुपए मांगी थी जैसे? हाँ, फोन पर। ये तो अब जानकारी हम लोगों को नहीं है, आपने उनसे पूछा होगा जो उनकी बाइक थी और बताया वो कितने की मांग। फिरोजाबाद से साहिल खान की ये रिपोर्ट।